Hosting Happiness. Happiness. अब तो बोलेगी ये तो नैनीताल में भी मिलता है क्या ये बास्केट केन का फर्नीचर. हाँ केन तो हर जगह. हाँ तो नैनीताल से ही तो यहाँ लाए हैं ये. चुप है. यहाँ थोड़ी ना है कुछ. तू ना एक्स्ट्रा हो जाता है. मैंने तो एक सब कुछ नैनीताल से ही लाया. नैनीताल से है और वो ये वीडियो देख रहा है तो पता होगा जैसे यहाँ पे इतने सारे लेक्स हैं वैसे नैनी लेक नौकुचिया ताल भीमताल मल्लीताल और तलीताल. चुप है. मल्लीताल तलीताल लेक्स नहीं है. तो क्या ऊपर मल्लीताल है और नीचे तलीताल. तो ताल के ऊपर मल्ली नीचे तलीताल. बताओ सिर्फ अपनी कार ही नहीं पता. याद है तुझे हमें पार्क का करी. आज हम एकदम रेडी हैं विद कॉफी विद जैकेट. मैंने भी अपनी जैकेट पहनी थी. प्यारी सी ट्री उससे भी बड़ी ट्री वही छोटी सी ट्री चले ब्लू कलर की. देखिए मेरी कार के ऊपर कितना अच्छा स्नोफ्लेक्स गिरे हुए हैं. वाह ना कहाँ आ गए हैं. हेवन ऑन अर्थ. हेवन ऑन अर्थ है यार ये तो. वाह किसको देख किसको साइकिलिंग करनी है यहाँ पे. क्या सही है. देखो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है. इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है. हेवन हेवन ऑन अर्थ है ये जगह लिटरली. हमने सोचा है नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ आएंगे तो हम अपनी साइकिल लेके आएंगे. ऊपर से आएंगे नीचे बाइक चला के. हाँ देख यहाँ पे जो भी जा रहा है उसके मुंह पे एक स्माइल. सब स्माइल कर रहे हैं सबको. ऐसी जगह स्माइल नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे यार. फिर तू कहेगी ये तो रानीखेत जैसा लग रहा है. ये तो सुंदर है यार. लव इट लव इट लव इट लव इट. अब ना इधर ट्रैकिंग पे जाना है. नेक्स्ट टाइम साइकिल्स लेके आएंगे वहाँ स्टार्ट करते हुए नीचे आएंगे है ना. हाँ. वाव यार मजा आ जाएगा. अमेजिंग. चल लेट्स डू दिस. सो ये जगह कौन सी है तो बताओ. अल्सवाटर के रास्ते में पिकनिक मनाने चलते. अरे हाँ पिकनिक मनाने चलते हैं. वहाँ स्निकर्स खाएंगे हमारी. जो हम एक स्नैक लेके आए अपना जैसे कि हम हमेशा इतने प्रिपेयर्ड आते हैं तो इस बार भी एक स्निकर्स लेके आए. ये तो इन द लैप ऑफ नेचर है हम एकदम. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट्स कॉल्ड टू बी इन द लैप ऑफ नेचर. क्योंकि तू देख ऐसे हम एक लैप बन गई ना. यहाँ पे एक माउंटेन ये वैली ये माउंटेन तो एकदम इन द लैप ऑफ नेचर. एकदम से ब्राइट सनशाइन भी आ गई. वाह. तो खाना तैयार है. दाल मखनी शाही पनीर. यहाँ एक ढाबा खोल लेते हैं बहुत चलेगा है ना. सब लोग यहाँ आके रुक जाएंगे और फिर यहाँ पे ढाबा खोलेंगे. यूके स्मूथर. नहीं उसको गुलशन ढाबा ही लिखेंगे. गुलशन ढाबा की फ्रेंचाइजी यहाँ खोल लेते हैं. चले लेक डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा मैं. घर नहीं 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 जाऊंगा मैं. अभिनव तू तो कहाँ कहाँ ड्राइव कर रहा है यार. है ना क्रेजी. Best driving roads in the world. Hello? ऐसा लग रहा है मैं उड़ जाऊंगी बाहर कार से. और कहाँ पे आया अल्सवाटर.
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस जो हमारे होस्ट ने बोला था जिसके घर पे हम रुके हैं. I'll swatch her like. It's so pretty. It's lovely. ऐसा कुछ नहीं देखा. लाइक आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस मगर सेम हियर यार. मैं इतनी प्लेसेस तो नहीं गया जितनी तू गई है पर जितना मैंने देखा है अभी तक का मोस्ट ब्यूटीफुल. तू तो कितना कुछ देख चुकी है. तो स्विट्जरलैंड देखा है यार. स्विट्जरलैंड कुछ नहीं है इसके सामने. एंड तेरी उस यूरो ट्रिप में यूके ही नहीं हुआ था ना तेरा. हाँ मैंने पूरी यूरो ट्रिप ली थी और यूके रह गया था. यार कितनी क्रेजी बात है. आई सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट. कितना क्यूट है. क्यूट डॉग. ये मस्टर्ड फील्स है क्या. ये तो वो है ना टन 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 टन. या यहीं बस जाओ बस. आई थिंक हम प्लान करते हैं कड़ी मेहनत करेंगे. आई नो. और रिटायर यहीं पे करेंगे. अब तो कहाँ रिटायर करेंगे. इनमें से एक घरों में. अरे सही बोला तूने एकदम. चलो अभिनव ने वाटर लैंडिंग. अभिनव ने ये गिरा दिया था यहाँ ड्रोन को. बचा होगा तुझे लगता है. बचा होगा यार. वाओ एकदम यहाँ गिराया. सही है. हाँ हाँ सही तो रहते हैं. बहुत हार्डी होते हैं. So guys, this is Ulswater Lake. बहुत प्यारा है. And this is अनुपा जी. मजा ही आ गया. कैसा लग रहा है आपको. मजा ही आ गया. ये वैसा लग रहा है जैसे कहो ना प्यारे में वो एक आइलैंड पे. एंड पता है ये पानी देख कितना साफ एंड क्लियर है. मैंने इसको टेस्ट भी किया है पता है. एकदम बॉटल्ड वाटर की तरह जैसे माउंटेन वाटर होता है ना वैसा ही है बिल्कुल. सिनेमेटोग्राफी तो एकदम ऑन पॉइंट यार. वैसे कितना अच्छा पता है. आइलैंड लग रहा है. ऐसा लग रहा है हम आइलैंड के एंड्स पे. शोर है लेक का. शोर नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं 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 मैं समझ रहा हूँ. यार यहीं पे रहना है. सही बात है. हम अभी एरा फोर्स वाटरफॉल्स जा रहे हैं. रास्ते में हम अभी रुके हैं एक स्टॉप में क्योंकि अपने आपको टॉयलेट जाना था. तो फिर से इन हसीन वादियों में एक टॉयलेट है वहाँ. सो बहुत लंबा क्यू है. मैं अभी यहाँ तब तक जा रही हूँ. मैंने सोचा कुछ टी कॉफी लेके आना चाहिए. हाय. ओह आई थॉट इट्स लाइक अ टी कॉफी कैफे. सॉरी आई डिडंट. Oh, just through the trees. Yeah. Parking from the toilets. If you walk along there. That oh, straight up. Oh, sorry. I thought I was coming here for coffee. Thank you. वो था टॉयलेट और ये था अभिनव. It was me all along. चलो कार आ रही है. चलो. वाह
लव यू नो है ना नेचर्स लाफ लाफ्स ही लाफ्स वाओ देखो सारी जो देखता है इसको वही ट्री घर पे लगानी है अच्छे अच्छे ट्रीज लगाऊंगा घर पे ऐसे ही फिर मैं सबसे टिकट लूंगा अच्छा ये कितनी टॉल है ये ट्रीज देख पहले ये देख अब ये वाली देख ये तो और भी टॉल है अब मैं सोने जा रही हूँ नेचर के बेड पे लाइ बैक लुक अप व्हाट कैन यू सी अप इन द कैनोपी सो मैं लेटा हुआ हूँ और मुझे ये सब दिख रहा है और एक लड़की दिख रही है जो मुझे तंग कर रही है अभिनव क्या है ये व्हाट इज दिस प्लेस यार वाओ ये खुला आसमान पता नहीं यार कैमरा पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब आ रहा है हम इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं गानों के साथ तो लोग पिक्चर कर पा रहे हैं देख वाटरफॉल की आवाज आ रही है इसका मतलब हम वाटरफॉल से ज्यादा दूर नहीं है सही कहा गया यार ये फ्लावर्स कितने प्रिटी हैं इन्हीं के थ्रू में चल के जाना है आ जाओ वाटरफॉल अरे कहाँ जा रहे हैं कितना स्टीप है ना फिर यहाँ तो नहीं पता चलता वहाँ से जब नीचे देखते हैं ब्रिज से तो बहुत सही लगता है डर लगता है हमारे पास माउंटेन ड्यू भी है ड्यू द ड्यू तेरा ना ये क्रिंज कलेक्शन बन रहा है परदेसी के तेरा यहाँ कोई वाओ क्रेजी प्लेस अब ना यहाँ तो रोज दो दो घंटा भी ट्रैकिंग करे कोई तो थके ना है ना यू नो व्हाई क्यों बिकॉज़ नेचर इज ब्यूटी बिकॉज़ नेचर इज एनर्जी नेचर इज एवरीथिंग बटरफ्लाईज उड़ रही हैं छोटी-छोटी बर्ड्स उड़ रही हैं पत्तियां हिल रही हैं फूल खुशबूएं दे रहे हैं ये भी क्या बच्चे हैं व्हाट किस्मत जो यहाँ इस स्कूल में पढ़ रहे हैं ऐसे व्यूज के साथ ऐसे तो पढ़ने में मन लगेगा ये है वो स्कूल हम आ गए हैं ग्रासमेयर विलेज और ये है ग्रासमेयर स्कूल चीकी लिटिल बनी अभिनव यहाँ तो बहुत बड़ा क्यू है लग जाओ आ जाओ चलो Hi. Here for the famous gingerbread. Yeah, packs of six here for $3.95 or 12 pieces there for $7.50. So yeah. We'll take that. Yeah. Yes. Yeah, thank you. Okay. £7.50 Would you like a receipt? Yes, please. Yeah.
so much. Thank you. Thank you. Take care. Take care. Bye. Wow. Let's enjoy the famous gingerbread in the Wordsworth Daffodil Garden. I hope under koi bench ho, so we could sit on a bench and eat. हमने नोट किया हम कहाँ चल रहे हैं? नहीं. लोगों के नेम्स लिखे हैं जिन लोगों की ग्रेव्स हैं यहाँ पे. Yes, वहाँ पूरी ग्रेवयार्ड है. सोच हर उस पे किसी का नेम लिखा हुआ है. तुझे कैसी लगी तू बता. वेरी नाइस. आई थिंक इसको एंजॉय करने के लिए ऐसी जगह ही बैठना चाहिए जितना काम एंड सेरीन हो. अब तेरे ड्रोन का क्या होगा? अरे ठीक कर देंगे, ऐसी क्या बात है. उसको रीइनिशियलाइज करना है, वो बाद में करेंगे. हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ. अब हम जा रहे हैं टू अ प्लेस कॉल्ड मीजो पैन एशियन, क्योंकि हमें सारे डिनर्स एशियन ही करने हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है एशियन खाना. तो हमने दो बार खा लिया थाई फूड एंड दोनों ही बार इंक्रीमेंटली गुड था. पहले गुड फिर बेटर हो गया. सही में. एंड आज हमने एक बहुत ही बढ़िया जापानीज रेस्टोरेंट ढूंढा है. कहाँ पे, उस सिटी का नाम क्या? बोरोडेल. तो हम वहाँ जा रहे हैं ड्राइव करते हुए. एंड मैं ऐसे ही सोच रहा था कि यार जब से आई वॉज इन टू कार्स और जो मैंने ये टॉप गियर वगैरह ये सब देखता था, तब से मुझे लगता था कि मुझे वो जो जिन सड़कों पे ब्यूटीफुल ड्राइविंग रोड, स्विस रोड, यूरोपियन रोड्स पे वो ड्राइव करते थे और फिल्म करते थे, मुझे हमेशा लगता था यार कभी मुझे वो मौका मिल जाए ऐसी रोड्स पे ड्राइव करने का. वो मुझे आज मिल गया. Yeah. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. आई एम वेरी सैटिस्फाइड. और आज हम खाने क्या जा रहे हैं तो बताया नहीं तुमने. आज हम खाएंगे ऑल वीगन जापानीज फूड. ये गोजा, उसमें होगी वसाबी, उसमें होगा वीगन कात्सु करी और सुशी. सुशी मेरा फेवरेट सुशी. अपने घर से ये सब देखने को मिले तो ये क्या लोकेशन है इस होटल की. गंदे सामने बात किया आराम से ले जा. देख रहा हूँ इतना. ये बताओ वो छोड़, अगर टेबल नहीं मिला तो हमारी कोई रिजर्वेशन भी नहीं है यहाँ पे. टेबल नहीं मिला तो सच इज लाइफ. कभी क्या सच इज लाइफ, जन्नत दिखा के भी ठोकर दे देती है. क्या कर सकते हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. देखेंगे कहीं और जाएंगे और क्या. लेट्स सी, लेट्स ट्राई. देख सब कितना मस्त ड्रेस अप हो के आए हैं. अंकल ऐसे हैं लाइक ही ओन्स द प्लेस. उनके बच्चे मेरे को शिट्स क्रीक वाले बच्चे हैं तीनों. और तू आया अपनी ये टी-शर्ट पैंट. हां एकदम सुपर ड्राई. एज लॉन्ग एज यू कैन पे द बिल यू शुड नेवर वरी अबाउट योर अपीयरेंस. ये तो दिखा व्यू नहीं आया ना, फिर मैं तुझे देखता रह जाऊंगा. प्रीव्यू दिखा. इट्स नॉट अ व्यू है. यस वेरी नाइस, लव इट. सो अब कट ऑफ डिड थिंक यू अनुभव से क्या हुआ. कैट्स हो गया आज. हनुमान इतने अच्छे से सपने सजाए थे मीजू में खाएंगे. उन्होंने बोला वी आर बुक्ड ऑल थ्रू दिस वीकेंड. हाय बेचारी. अब चल ढूंढ ले, और भी तो ऑप्शन है तेरे पास. बैम्बू यार यही खाना था, इनको बहुत अच्छा लग रहा था. अभी नहीं हो सकता ना, चल आगे देख. चल अच्छे से खाएंगे. चल चल लेट्स डू दिस. ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यू गो. चलो हम बहुत
देर से ढूंढ रहे हैं, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि हर जगह बुकिंग्स है एंड फुल है हर जगह। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग इज स्पेशली बिकॉज इट्स अ फ्राइडे। कितनी भीड़ है यहाँ, एवरीवेयर देयर आर पीपल एंड लुक्स लाइक कोविड तो है ही नहीं। अभिनव ये कार चाहिए, ये कार कार हो तो ऐसी। सो अब हम आ गए हैं सीएम। अभिनव क्या लगता है, मिलेगा? मिल जाएगा। यहाँ पे भी रिजर्वेशन से आना है। तो फाइनली हम एक जगह आ गए। इन्होंने एक चलाकी करी हुई है कि अगर आप रिजर्वेशन से नहीं आए तो उन्होंने ऊपर यहाँ एक एरिया बनाया है जहाँ पे आप बिना रिजर्वेशन के आ सकते हो, उनको पनिशमेंट देते हैं। हाँ, तो जिससे पनिशमेंट मिली हमें, तो यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, तो इतना पतला एरिया है, दो टेबल्स के बीच में हार्डली कोई जगह है, फिर भी हम सब वहाँ पे फिट आए। वैसे दूसरा ऑप्शन जितना था तो बट वहाँ पहले जा चुके हैं, तो फिर हमने कहा नए ट्राई करते हैं। So, अब सीधा खाने पे मिलेंगे। अब नहीं मिले, अब तो खाएंगे। जब कुछ आया नहीं था तब का वीडियो बनाया, कोई नहीं सोचा, क्रोनोलॉजी कोई नहीं सोचा।